कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। काम वासना के ऊपर मिथ्याचार भाव आते हैं, फालतू के कर्म और बढ़ने लगते हैं, उस कर्म को व्यभिचार को कैसे रोका जाए, ये कहानी बोध देने के लिए यह प्रस्तुत किए जा रही है। तो गौर से सुने। एक गांव में बाबू था, उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद पति पत्नी मजे से जीवन जी रहे थे। जीते जीते क्या हो गया, बाबू दिन भर ड्यूटी पे रहता था और उसकी पत्नी घर में ही रहती थी। वो सुबह चले जाता तो शाम को आ जाता, दिन भर उस घर में वो उसकी पत्नी ही रहती थी। पर उसकी उद्धट आदत न जाने क्या क्या बहकावे कर रही थी। उसके पास उसके कुछ मित्र जुड़ गए और वो व्यभिचार करने लगी। बाबू का पगार नुपर आने लगा। ऐसा करते 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 उसका व्यभिचार का काम बहुत बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते जहाँ बीज बोया जाता है वो बढ़ने लगता है और बढ़कर उसको फल आते हैं, और जो फल पिक जाते हैं पेड़ को कभी नहीं रहते, गिर जाते हैं। उसी तरह व्यभिचारी बाबू के पत्नी का फल पक गया। अचानक एक दिन क्या हो गया, बाबू ड्यूटी पे गया और उसके पेट में बहुत जबर दर्द होने लगा। दर्द होने लगा, काम में दिल नहीं लगा। दोपहर का समय था, उसने क्या किया, ऑफिसर के आगे जाके बताया, साहब जी मेरा पेट बहुत दर्द दे रहा है, मुझका मेरा मन काम पे नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूं, मुझे छुट्टी दे दो, मैं दवाखाना जाऊंगा, अच्छा हो जाऊंगा, फिर आऊंगा या कल आऊंगा, अभी मेरे को दोपहर से छुट्टी दे दो। उस बाबू के साहब ने उसको छुट्टी दे दिया। बाबू का पेट बहुत ही दर्द दे रहा था। घर पे आया तो घर के आगे जूते और चपला दिखी। उसको लगा मेरे यहाँ कोई ना कोई मेजबान आया है, तो कौन है। उसने खिड़की के झरोके से देखा, कौन मेजबान मेरे घर के अंदर है, जिसके चपला बाहर है, दरवाज़ा लगाया हुआ है। उसको कुछ निराला डाउट आ गया। जब झरोके से देखा, उतनी उसकी जो पत्नी थी वो मित्रों के साथ लिपटी हुई थी, व्यभिचार कर रही थी, और वो दृश्य देखा बाबू ने। वो दृश्य देखते ही उसके मन में क्रोध भर के आया, शैतान आया, और उसने बोला, दरवाजा खोलो, मैं आया हूँ। पत्नी ने दरवाजा तो खोला, वस्त्र ठीक किया, तब उस घर में उसके मित्र भी दिखे। उसने असली कंडीशन देखी थी, उसका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। जैसा ही दरवाजा खोला,
तो वहाँ जो मित्र थे कुछ बहाने से भाग गए, पर पत्नी कहाँ भाग रही थी। उसने एक हाथ में सोटा लिया और वो सोटे से उसको जे पीटा जे पीटा जे पीटा, जगह जगह वो चिल्ला चिल्ला कर फूटने लगी। हर आंग में जगह जगह पर पीड़ा खून बह रहा था। अरे मर गई रे, बचाओ बचाओ। अचानक दरवाज़ा खुल गया और वो वहाँ से भाग निकले, दौड़ कर निकले, दौड़ते दौड़ते सीधी मायके आ गई। बाबू का क्रोध का असली स्वरूप उसने देख लिया कि बाबू अब मेरा जान लिए बिगर नहीं छोड़ता, तो मैं बच गई। बच कर भागी कहाँ, भागी तो गई मायके गई, माँ बाप के पास गई। और माँ बाप देखते ही बोली, बेटी क्या होगा माँ, क्या किसी ने तुझको मारा, कहीं गिर गई? और रोते रोते बताने लगी, माँ बाप मेरे पति ने मेरे को मारा, मेरा पति दस्यु है, मुझको मारता है पीटता है। तो उसके माँ बाप को भी क्रोध आया, ठीक है मेरे बच्चे को मेरे लड़की को इतना मारा। माँ बाप का दिल अरे शैतान बन गया, मेरे बच्चे को मारा, इतना मारा, देखते हैं उसको। उसके लिए कुछ औषधि का उपचार का प्रयोग किया, बच्ची को वो मायके रहने लगी, माँ बाप के पास रहने लगी वो लड़की। अब वो बाबू था ना, उसको रोटी बनाने का कुछ तरीका मालूम नहीं था, बाबू को खाना बनाना मालूम नहीं था, सब्जी बनाना मालूम नहीं था, आटा कैसे गूंथा जाए मालूम नहीं था। उसको विचार आया, एक दो दिन भूखा भी रह गया, भूखे पेट से ड्यूटी गया, तो उसको लगा मैं कैसे करूं, बेकार मैंने अपने पत्नी को मारा, अगर मारा नहीं होता तो अच्छा होता, अब भाग गई, रोटी बनाना नहीं आता, भूखे रहना पड़ता है, चलो 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 कहाँ जाएंगे, पत्नी को लाने जाएंगे, कैसी भी रहो भाई पर खाना तो बना सकती है ना, अब मुझे खाना बनाना भी आता नहीं। वो व्यक्ति ससुराल गया, ससुराल गया और उसके सासू सासरे के आगे विनंती किया, बोला तुम्हारे लड़की को भेजू मैं लेने आया हूँ। अयो गुस्से से पागल हो गया। वो दामाद आयता मकान में आया और उन्होंने वो दृश्य देखा कि कितना पत्नी को लड़की को मारा था। क्यों जी आप शैतान तो नहीं है ना, मेरे लड़की को इतना मारा। तो जवाई बोलने लगा, क्षमा करो मेरे से गलती हो गई, पर इतना मारना चाहिए? क्या करो मुझे पागल जैसा लगा तो मैंने मार दिया, अब लेने आया हूँ उसको। लड़की को बुलाया, अरे लड़की भाई तेरा पति लेने आया है, तू चली जा। मैं जाती नहीं बाबा, ये शैतान है, मुझे मार डालेगा, काट डालेगा, मैं अगर गई ना दोबारा जिंदा वापस नहीं आ सकती, ऐसा मूर्ख है मेरा पति। और ऐसे मूर्ख पति को तुमने मुझे दे दिया है खाटक के यहाँ, मैं अभी नहीं जाती। माँ बाप को भी लगा, अरे पत्नी, और बोली उस लड़की की माँ बाप बोले, अब नहीं भेजते बाबा, जाओ तुम अपना उधर देखो, हम लड़की का इधर देखते। वो बाबू घर में आया, कैसा करूँ रे, खाना बनाना नहीं आता, रोटी बनाना नहीं आता, चाय बनाना नहीं आता, कौन झाड़ू लगाएगा? तो उसने फिर दूसरी पत्नी बनाने का निर्णय लिया, दूसरी बनाएंगे। तो
रोटी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, पानी भरने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, हो सके तो अपनी सेवा करने के लिए। उसने दूसरी लड़की को मांगा, उसके साथ शादी किया, जमाया, उसको घर लाया। लाया तो कुछ दिन बीत गए, बीतने के बाद वो भी भाई को वही आदत लग गई, पुराने लोग मित्र आने लगे, अरे ये नई वाली आई उसको सताने लगे, उसमें वो व्यभिचार में फंस गई। ऐसा करते 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 क्या हो गया, एक बार बाबू का पगार ऊपर जाने लगा, कर्ज बाजारी होने लगा। बाबू का एक मित्र शादी का निमंत्रण लेके आया और कहने लगा, भैया मेरे लड़के की शादी है, तुमको आना जरूरी है। वो बोले, मैं नहीं आ सकता, मैं कर्ज बाजारी हूँ, मैं अगर वहाँ आऊँगा तो मेरे ड्यूटी पड़ जाएंगे, पैसा कट जाएगा, घर चलेगा नहीं, तो मैं तेरे भाभी को भेजता हूँ, नहीं नहीं तुझे आना होगा। और चला गया, उसने अपने औरत को बताया, तुझे जाना पड़ेगा। औरत थक गई, मेरे पास कोई दागिना नहीं, अच्छी साड़ी नहीं, क्या मैं ऐसी जाऊंगी। बाबू ने बोला, देख अपना पगार कम आता है, अपने सुख सोई के लिए ऊपर जाता है, तो तू चले जा, मैं ड्यूटी पे जाता हूँ। निकल गया। फिर उस बाबू के पत्नी ने सेदार से सोने के दागिने मांगे, किसको साड़ी मांगे, और अच्छी सद्दत का शादी में चले गई। शादी लग रही थी, उसने सेदार से एक नथनी मंगा था और नथनी नाक में डाला था, बड़ी वाली। अब वो खाना खाने बैठ गई लोगों के साथ, वो खाना खाती तो घास उस नथनी में चले जाता, बड़ी वाली, गोल वाली, रिंग वाली। तो लोगों के तरफ देखा, अरे लोगों ने नथ निकाल के रखा, उसने भी निकाल के रखा, ओटी में रखा, और खाना हो गया। घर के तरफ आई और नाक को हाथ लगा रही, दागिने की याद आई, वहाँ नथ नहीं है, ओटा झनकाड़ा, अरे नथ नहीं है, नथ नहीं है, फिर क्या किया इन्हें। सेदार वाली भाई, नथ मगेगी कह दूंगा, क्या दूंगा, इसने अपने शरीर को ऐसा कसाया, खर्च बचाया, नौकर चाकर बंद किए, तेल का कम खर्च, खाने का कम खर्च, ऐसा करते करते पगार में बचत किया, व्यभिचार करना छोड़ दिया, पैसे बच गए। एक दिन पैसे पूरे हो गए तो चूहे के दर वो बंद करने लगी। अचानक करते करते क्या हो गया, चूहे के दर के अंदर कुछ चमका हुआ नजर आया, उसने तार का आकोड़ा डाला और घुसा के निकाला, वही नत उसमें फंस के आ गई। उसको खुशी हो गई, अरे मेरी गलती मुझे याद आई, मैं अच्छे काम करती बर्बाद न होती, ये मुझे नत नहीं लाना पड़ता, पैसे बच गए। उन्हें वो नत सेदारिन भाई को दे के आए, विचार किया, बुरा जीवन, बुरे नतीजे आते हैं, अपने जीवन में दुर्गति हो जाती है, सुधरो भाई। वो सुधर गई, व्यभिचार करना छोड़ दिया, इंसानी जीवन जी रही और बाबू के साथ अपना जीवन सुख से बिता रही है। अरे पैसे बच गए। वो बाबू को लेकर दुकान में गई, एक नई हीरोंडा लेके दिया, बाबू चला रहा, उसकी पत्नी पीछे बैठ गई। ये मेरा जीवन, मेरे वजह से बिगड़ा था, अब मेरे वजह से दुरुस्त हो गया। समझना चाहिए जीवन में कैसा आपरण किया, क्या आचरण किया, उसको होश आया तो सुधर गया, होश नहीं आया तो बर्बाद हो गया, जीवन का कोई लाभ नहीं, जीवन जीना महान नहीं है, जीवन किस तरीके से जिए ये महान है, इसलिए बुद्ध ने तत्व दिया है। कामेशु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्का पदंग समाधियामि, काम वासना करके अपने जीवन में उड़ा ढाली करके बर्बाद न करो, व्यभिचार न करो, संतुष्ट बनो, समाधानी बनो, सीखो, संगठित होकर सीखो, अपना मंगल साधो, जीवन का लाभ उठाओ, लाभ उठाओ, लाभ उठाओ। सब पापस्या करणं कुशलास्योप संपदा सचित्व परियोदपणं एतं बुद्धान शासनं, यही बुद्ध की सिकवनाय। नमो बुद्धाय, जय भीम।